सूचना अधिकार फाइनाल अपील। आज आम आलोचना करिबा सूचना अधिकार आईन रो फाइनाल अपील बा आरटीआई फाइनाल अपील केबे करा जिवो, किपरी करा जिवो, केउठी करा जिवो एवं फाइनाल अपील फॉर्म केमिति पूरण करिबा। आरटीआई फाइनाल अपील केबे करा जिवो, जदि प्रथम अपील अधिकारी निष्पत्ति रे आवेदनकारी संतुष्ट न हुवंती तेबे दरखास्तकारी 90 दिन भितरे फाइनाल अपील करिपारिबे बा यथाजथ कारण दर्शाई 90 दिन परे मध्य फाइनाल अपील करा जाय पारिबो। केउठी आवेदन करा जिवो, फाइनाल अपील राज्य सूचना कमिशन को निकटरे करिबाको पड़िथाय, एणु फाइनाल अपील फॉर्म तांको ऑफिस रे जमा करंतु। किपरि आवेदन करिवे, एथिपई एक निर्धारित फॉर्म रे आवेदन करिबाको पड़िथाय, एही फॉर्म उपरे 25 टंकार कोट फी लगाइबाको पड़िथाय। एठी विचार विभाग पर आपणक सुनानी करा जिवो, सुनानी बेले पक्ष रखिबाको आवेदनकारी सेठारे उपस्थित रही पारंती किंबा वकील दे पारंती किंबा तांक तरफर जन प्रतिनिधि दे पारंती, तथापि जदि सेठारे उपस्थित न रही पारंती तेबे तांक सुनानी रे किछि असुविधा हेबो नाही। आवेदन फॉर्म मिलिबो केउठु? साधारणतः जो माने विभिन्न चाकरी पई फॉर्म रखि थांती बा स्टाम्प भेंडर बा मैगजीन दुकान बा जेरॉक्स दुकान आदि रे एही फॉर्म मिल जाए, आपण सेठारु एही फॉर्म पाई दिबे। जदि न मिलुछि तबे कमेंट बॉक्स रे निजर व्हाट्सएप नंबर दियंतु, एही फॉर्म को आपण को पाख को पठाई दिया जिवो। केते दिन मध्य रे सुनानी करा जिवो? कमिशन सुनानी पई केते दिन समय नेबे सेमिति किछि निर्दिष्ट समय सीमा निर्धारण करा जाय नाही। सुनानी रो तारीख ओ समय तांक तरफरु जणाय दिया जिवो। कमिशन को निष्पत्ति शेष ओ चूड़ांत निष्पत्ति भावरे ग्रहण करा जिवो। जदि सूचना कमिशन अनुभव करंती जे लोक सूचना अधिकारी जाणीशुणी बा मंद उद्देश्य रखि सूचना देइनांती किंबा असंपूर्ण बा भूल तथ्य देइचंती, तेबे सूचना कमिशन तांकु 25,000 टंका जाए जोरिमाना करिपारिबे, जहाँ जनसूचना अधिकारी को तांको पॉकेटरु भरणा करिबाकु पड़िबो। एबे देखिबा आरटीआई फाइनाल अपील फॉर्म केमिति पूरण करिबा। ए हेउची आरटीआई फाइनाल अपील फॉर्म, फॉर्म ई जेउंटी लेखा अछि फ्रॉम तळे एप्लिकेंट्स नेम एंड एड्रेस, से जगार आवेदनकारी तांको नाम ओ ठिकणा लेखंतु। एबे देखंतु ताळ तळकु टू दि स्टेट इनफॉर्मेशन कमिशन, ता तळे सीरियल नंबर 1 फुल नेम ऑफ अपीलेंट, सेठी जे आवेदनकारी तांको नाम लेखंतु। सीरियल नंबर 2 एड्रेस, सेठी आवेदनकारी को ठिकणा लेखंतु। सीरियल नंबर 3 पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, एटि प्रथम अपील अधिकारी नाम और ठिकणा लेखंतु, अर्थात यह पूर्वर जो अपील अधिकारी को आप फास्ट अपील करते से ऑफिसर नाम और ठिकणा लेखंतु। सीरियल नंबर 4 डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर अपीलेट एग्नेस्ट, सेठी आवेदन करा जायतिबा प्रथम अपील ग्रहण करिवार तारीख, अर्थात जेबे आप अपील करते सेबेठारु 45 दिन होउछि प्रथम अपील रो सूचना पाइबार शेष तारीख, सेठी सही तारीखटी लेखंतु। सीरियल नंबर 5 लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द अपील, सेठी फाइनल अपील करिवार शेष तारीख लेखंतु, अर्थात प्रथम अपील रो शेष तारीख रे 90 दिन मिसाई देले ता हेउची फाइनल अपील करिवार शेष तारीख, सेठी एही तारीखटी लेखंतु। सीरियल नंबर 6 पर्टिकुलर्स ऑफ इनफॉर्मेशन, सेठी सूचनार विवरणी बा सूचनाटी केउ विषयर ताहा लेखंतु। ए रे नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इनफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, सेठी सूचना टी की प्रकार रो की प्रकृतिर एवं सूचनार विषय वस्तु विषय रे लेखंतु। बी नेचर ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट टू व्हिच इनफॉर्मेशन रिलेटेड,
ଯେଉଁଠୁ ସୂଚନାଟି ପ୍ରଥମେ ମାଗିଥିଲେ ସେହି ସୂଚନାଟି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବା କେଉଁ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାହାର ନାମ ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ସାତ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଅପିଲ୍, ଫାଇନାଲ୍ ଅପିଲ୍ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଡିଟେଲ୍ସ ଇଫ୍ ଏନି ଟୁ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ଇନ୍ ସେପାରେଟ୍ ସିଟ୍, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖି ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ତା ତଳେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଇ ଡ୍ୟାସ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ସେଠାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ସନ୍ର ଡଟର୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍, ସେଠି ପିତା ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ହିୟର୍ ବାଇ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ସ ଫର୍ନିସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଅପିଲ୍ ଆର୍ ଟୁ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ସପ୍ରେସ୍ଡ ଏନି ମେଟେରିଆଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆପଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମତେ ଏହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅଟେ, ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ନାହାନ୍ତି। ତା ତଳେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଅପିଲାଣ୍ଟ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ। ତା ତଳେ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାରିଖ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ତଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫିସର୍, ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କର ଠିକଣା ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ଫର୍ମ ଉପରେ 25 ଟଙ୍କାର କୋର୍ଟ ଫିସ୍ ଲଗାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସରେ ଜମା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ଫାଇନାଲ୍ ଅପିଲ୍ ବା RTI ଫାଇନାଲ୍ ଅପିଲ୍ କେବେ, କିପରି ଓ କେଉଁଠି କରାଯିବ, ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଅପିଲ୍ ଫର୍ମ କେମିତି ପୂରଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆବେଦନ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।